सो हेलो एवरीवन। और भाई कल रात से जो है बिल्कुल एकदम बोल सकते हैं कि खतरनाक न्यूज़ जो चल रही है मार्केट में, खासकर यूट्यूब पे और सभी जगह पर, कि भाई सोशल मीडिया पे हम छाया हुआ है कि क्रिप्टो बैन हो गया है। भाई पहली बात तो बता दूँ, क्रिप्टो कहीं भी बैन नहीं हुआ है। साफ सुथरे अक्षरों में बता दूँ, लोगों की गलतफहमी बहुत ज़्यादा हो गई कि क्रिप्टो बैन हो, क्रिप्टो बैन नहीं हुआ है, बल्कि जो है आप देखेंगे कि इंटरनेशनल एक्सचेंजर के बारे में बात की गई है। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि अभी गवर्नमेंट ने, जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो बैन किया है क्रिप्टो जो है एक्सचेंजर, जो काफ़ी सारे इंटरनेशनल एक्सचेंजर, अब ये क्यों हुआ इसकी भी एक रीज़न ये है। आपने देखा होगा वहाँ पर अपनी एक लिस्ट भी आपने देखी होगी, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं शेयर की जा रही, बताई जा रही है, उसमें बिनेंस का भी नाम है और दूसरे भी जो एक्सचेंजर है उसका भी नाम है। तो हालांकि आपको बता दें, आज से 2 साल पहले भी इस पर गवर्नमेंट क्लियर बिल्कुल कर चुका है कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर बैन लगाया जाएगा, क्रिप्टो पर बैन नहीं बल्कि जो एक्सचेंजर है उसके ऊपर। उसका रीज़न क्या है? देखिए होता क्या है कि बहुत सारे जो कहीं ना कहीं क्रिप्टो से लेन देन होते हैं, काफ़ी सारे इंटरनेशनल जो है लेन देन होते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जो कई बार टैक्स की बात आती है, TDS की बात आती है, तो वो कोई पे नहीं करता, और इंटरनेशनल एक्सचेंजर जो है उसमें लोग सोचते हैं कि चलो अपने इसमें पैसा बच जाएगा और उसमें जो है सारा वो ट्रांजेक्शन्स वगैरह करने कहीं ना कहीं लग जाते हैं, तो और कहीं ना कहीं वो मनी लॉन्ड्रिंग में भी आ जाता है। इस बात को आपने कभी ध्यान से देखा हो तो ये मनी लॉन्ड्रिंग में भी कहीं ना कहीं चीज़ें आ जाती हैं। इस वजह से जो है इसको एक तरीके से सही किया जा रहा है कुल मिला के अगर देखा जाए तो। यहाँ पर डरने वाली या घबराने वाली बात नहीं है कि भाई अभी जो है यहाँ पे क्रिप्टो बैन हो गया या क्रिप्टो में कुछ होगा, ऐसा कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके भी ऑप्शन बहुत सारे मौजूद है। जैसा आप कई लोग ये बोलेंगे कि हमारा जो है क्रिप्टो में पेमेंट पड़ा हुआ है बाइनेंस वगैरह में, अब हम क्या करेंगे, और भी कई हैं एक्सचेंजर, तो आप कैसे इसको कर पाएंगे? तो इसमें कई तरह के जो एक्सचेंजर भी आते हैं, और भी कई सारे एक्सचेंजर आते हैं, उसमें कई इंडियन एक्सचेंजर भी मौजूद हैं अगर आप सर्च करेंगे देखेंगे, क्योंकि अगर आप इसमें जाएंगे तो कई सारे एक्सचेंजर जो इंडिया में, हालांकि इंडिया के जितने भी एक्सचेंजर हैं वो इतने बेहतर काम नहीं करते हैं जितने इंटरनेशनल जो है एक्सचेंजर काम करते हैं, बट जब वही बात हो गई कि ज़रूरी भी है, कभी इंडिया की बात आती है तो भाई TDS वगैरह आपने नहीं दिया है तो भाई 30% टैक्स वगैरह जो बचाने के लिए लोग इंटरनेशनल जो है उसके यूज़ करते हैं एक्सचेंजर। तो भाई क्लियरली है यहाँ पर कि क्रिप्टो वगैरह बैन नहीं हुआ, आप क्रिप्टो में पेमेंट अभी भी कोई लेता है या कोई भी एक्सचेंज करता है उसमें कोई गलत नहीं है, बट ये होगा कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट यह है कि आप अगर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और कुल मिला के जो इस टाइप से मनी लॉन्ड्रिंग टाइप के केसेस आपने भी आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा होते हैं कहीं ना कहीं, और जो इन लीगली तरीके से कहीं ना कहीं जो है चल रहा है कहीं ना कहीं क्रिप्टो का कारोबार, तो इसमें कई बड़ी सारी कंपनियाँ भी हैं लेकिन इसमें कई छोटी मोटी कंपनियाँ भी इन्वॉल्व होके और कुछ इसके अंदर गलत तरीके से किसी प्रकार का जो चल रहा है कहीं ना कहीं मामला इसके अंदर, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो भाई इंडिया में डेफिनेटली ये बैन किया गया है, तो इसमें आपका अगर अभी भी कहीं ना कहीं अगर बैलेंस वगैरह कहीं भी आपका जो पेमेंट पड़ा होगा तो उसमें कई और एक्सचेंजर होंगे जिसके थ्रू आप आराम से एक्सचेंज जो है कर सकते हैं, जो भी चार्जेस है डेफिनेटली आपको यहाँ पे देना ही होगा, क्योंकि गवर्नमेंट कहीं भी गलत नहीं होती है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने हिसाब से कहीं ना कहीं वो काम करती है और जो है कहीं मिला के एक लीगल चीज़ों को करना है तो आपको ये सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की आप कहीं वीडियो देख लेते हैं तो भैया बिल्कुल एकदम बवाल ना मचे उसका, आप देखिए वहाँ पर लिस्ट जारी है गवर्नमेंट की तरफ से सारी जो भी हैं, तो अब ये जो है क्या एक्सचेंजर बंद हो जाएंगे या बाइनेंस में हमारा जो है अकाउंट होगा वो बंद हो जाएगा या पूरी इसकी एप्लीकेशन उड़ जाएगी, ऐसा भी नहीं है। URL वगैरह होता है जैसे किसी कंट्री के हिसाब से URL वगैरह बनता है, उसको वहां पर बैन किया जा सकता है, लेकिन अगर चलिए इस कंडीशन में बैन भी किया जाता है और आपका वहां पर जो पेमेंट भी पड़ा हुआ होगा किसी भी एक्सचेंज में तो आप जो है यहां पर जो है APK के थ्रू भी जो है हालांकि ले सकते हैं, बट जो है अगर लीगली तौर पर देखा जाए तो यहां पर बहुत सारी चीजें जो है बहुत ही बढ़िया भी हो रही हैं और घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आपका भी अगर उसमें कहीं पेमेंट पड़ा हो तो अभी ये मत बिल्कुल सोचिए कि पूरी तरह से जो है यहां पर जो है क्रिप्टो बैन हो गया, क्रिप्टो कतई बैन नहीं हुआ है, ये सारे सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो जस्ट रिलैक्स रहिए। आपने भी कहीं ना कहीं क्रिप्टो में पेमेंट लिया होगा और आप उसको एक्सचेंज करने चाहते हैं तो बहुत सारे अभी मैं देखूंगा, स्टडी करूंगा, आप यूट्यूब वगैरह पर भी देखिए कि किस टाइप के और दूसरे एक्सचेंजर हैं जो काम करते हैं, तो वहां पर आप कैसे क्या ट्रांसफर करने, कैसे इसको किस टाइप से सारी चीजें करनी है उसे प्रॉपर तरीके से देखिए, सब कुछ हो जाएगा। तो डोंट वरी, रिलैक्स रहिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है और सारी चीजों को ध्यान से अगर समझने की जरूरत है ना कि घबराने की जरूरत है, तो समझिए बातों को ना कि घबराइए। तो बाय बाय एंड लव यू ऑल।